नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सवा इलायची का एक दिव्य प्रयोग बता रही हूं। ये आपको मंगलवार और शनिवार को करना है और इस काम को आपको कम से कम रात के 9 बजे के बाद आप करें। इस काम को चुपचाप करना है, किसी से चर्चा नहीं करनी है इसकी। और ये काम आपको विश्वास हो तो करिए, हम बाध्य नहीं करते। ये स्पष्ट करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप अंधविश्वास बताते हो या वो। मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ स्वयं अनुभूत हैं, की हैं, काफ़ी लोगों ने इसका प्रयोग किया है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो जन सेवा के नाते ये बात आपको बताई जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें साइंस ढूंढते हैं तो मेरा निवेदन है आप ये उपाय ना करें। अगर आपको विश्वास है तभी आप करिए। और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप कितनी निष्ठा श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को एक जैसे परिणाम नहीं मिलते हैं, ये बात भी स्पष्ट है। मित्रों, आपको क्या करना है, सवा इलायची लेनी है। सवा इलायची में एक इलायची साबुत होगी और दूसरी इलायची को छील कर उसका दाना निकाल लेना है। और एक जो इलायची वो साबुत रख के मतलब तोड़ लेना है उसको हल्का सा, लेकिन इस तरह से एक और ये अगली जो इलायची है इस तरह से सवा इलायची आपकी तैयार हो जाएगी। एक मिट्टी का छोटा सा पात्र लीजिए, उसके अंदर इसको रख दीजिए। एक कोयला रखिए, एक अंडे का टुकड़ा रखिए, कपूर की टिकिया, ये आपको उसके अंदर रखनी है। और इसके अलावा अगर आपके पास गूगल या लोबान कुछ पड़ा है तो वो भी थोड़ा सा उसमें चूरा करके डाल दीजिए। इसके बाद आपको हर कमरे में घूमना है। कमरे में घूमते समय लाइट बंद करनी है जिस जिस कमरे में जाएंगे, और ये बोलना है कि मेरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो बर्न हो जाए और नष्ट हो जाए और पॉजिटिविटी क्रिएट हो। हर कमरे में ये काम करके उसके बाद घर के बाहर आ जाना है, और घर के बाहर जो भी जगह है जहाँ किसी का पैर ना पड़े, साइड में एक कोने में बची हुई जो भी ऐश वगैरह है उसको आप डाल दीजिए। ये काम आप करिए, रेगुलरिटी रखिए और मन में दृढ़ संकल्प कीजिए कि आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है समाप्त हो रही है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, कर्मशील रहना अनिवार्य है, दूसरे के प्रति गंदा नहीं सोचना। ये चीज़ें तभी वर्क करेंगे। एक बार बताइए, आपने ये सब उपाय कर भी लिए लेकिन आपके मन में गंदे गंदे विचार आने किसी के लिए, तो पॉजिटिविटी तो क्रिएट किसी हालत में ही नहीं होगी चाहे हजारों बार कर लें। तो अपने मन को भी शुद्ध करना जरूरी है, और उसके साथ साथ ये उपाय करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा।